नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भट्ट नागर आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और इसका बेसिकली हम बात करेंगे कि जो शेप ऑफ क्रॉससेक्शन, शेप ऑफ द फाइबर है, वो किस प्रकार फिजिकल प्रॉपर्टीज और एस्थेटिक बिहेवियर होता है फैब्रिक का, उन पे इम्पैक्ट करता है और साथ ही साथ किस प्रकार से वो लश्कर को भी प्रभावित करता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर, फैब्रिक सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अंदर जाती है, और कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो अगर हम मेजर करें उसे, उतना ही वो मटेरियल जो है वो चमकेगा। अगर हम बातें बात करें एक लश्रस फाइबर की, तो द मोर लश्रस ए फाइबर, द मोर इवनली डज इट रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट। द लेस लश्रस और डलर ए फाइबर और फिलामेंट, द लेस इवनली डज इट रिफ्लेक्ट और द मोर डज इट स्कैटर द इंसिडेंट। अगर हम बात करें कॉटन और वूल, तो कॉटन का जो है कोवलेटेड सरफेस स्ट्रक्चर होता है, जबकि वूल का जो है वो सरेटेड सरफेस होता है। और रिजल्ट क्या है कि जो लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो वो स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर होने के कारण ये डल होता है। मगर हम अगर फ्लक्स की बात करें, तो फ्लक्स जो है ये पॉलीगोनिक है, तो इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, थोड़ा कम स्कैटर होता है। और यही कारण है कि थोड़ा इसकी, अगर हम लश्कर की बात करें, तो इसके अंदर स्लाइट लश्कर आपको फ्लैक्स के अंदर मिलता है। अब बात करें हम डिफरेंट शेप के बारे में, तो हमने ये देखा कि जो फिलामेंट्स और जो मैनमेड फाइबर हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, दे आर सर्कुलर इन करेक्टरिस्टिक, सर्कुलर होते हैं, ओवल होते हैं, डॉग बोन टाइप होते हैं, इरेगुलर टाइप होता है, लोबल, ट्राई लोबल और मल्टी लोबल हमारे जो है शेप आती है। तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो आज हम जो बात करेंगे वो इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बोर्ड की तरफ देखें, तो जो सर्कुलर है, अगर इन द केस ऑफ सर्कुलर, थियोरेटिकली अगर हम इसकी बात करें, तो क्रॉस सेक्शन शुड इम्पार्ट ए ओनली ए सॉफ्ट लश्चर टू द फाइबर्स ऑफ फिलामेंट। कारण यह है कि इंसिडेंट लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होती है अनइवनली, जबकि एक्चुअल में हम देखें इफेक्ट ये है कि ये हार्श स्ट्रॉन्ग लश्चर जो है ये देता है। और कारण इसका ये है कि फाइबर और फिलामेंट कितना ही हम ट्विस्ट कर दें यार्न और फैब्रिक में, इसकी जो सर्कुलर शेप होती है, ये सेम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और चाहे कितना ही उसका अनइवननेस रिफ्लेक्शन में रहे। अब इसकी अगर हम बात करें, तो ग्रेट बेंडिंग स्टिफनेस है, रिजिड, लेस फ्लेक्सिबल है, लीस्ट प्लायबल है, स्लिपरी हैंडल है, और क्योंकि ये मैक्सिमम कांटेक्ट रहता है स्किन के साथ, तो ये एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग रहता है। जब हम ओवल, डॉग बोन और ट्रायंगुलर शेप की बात करते हैं फाइबर क्रॉस सेक्शन की, तो ये मोस्ट लश्रस होते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इवनली। मगर एक्चुअल में अगर हम देखें, तो फाइबर और फिलामेंट जो है वो ट्विस्टेड होता है यार्न और फैब्रिक में, तो जो इंसिडेंट लाइट है वो इतनी रिफ्लेक्ट नहीं होती इवनली जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि इनके कारण जो है सॉफ्टर लश्चर आपको मिलता है। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो लीस्ट बॉन्डिंग स्टिफनेस, मोस्ट फ्लेक्सिबल, मोस्ट सपल, मे बी एज थियोरिटिकल एस्थेटिकली डिसप्लेजिंग, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट रहता है और ये क्रिस्पर रहते हैं।
जब हम ट्राई लोबल और मल्टी लोबल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनका जो क्रॉस सेक्शन है एंड इवन रिफ्लेक्शन है थियोरेटिकली ये डल लस्टर होना चाहिए बट एक्चुअली स्पार्कर और ग्लिटर, क्योंकि जब हम ट्विस्ट करते हैं यार्न में और फिलामेंट में इररेगुलर रिफ्लेक्शन इज देयर, दे आर नॉट स्टिफ, इजिली बेंडेड, प्लाइबल, सॉफ्ट, हाई फ्रिक्शन, स्मूथ हैंडल। और जब हमने जो है कॉटन की बात करी है, कवलेटेड सरफेस है, सेरेटेड सरफेस वूल का है और पॉलीगामिक सरफेस जो है फ्लेक्स का है, तो कॉटन और वूल जो है ये तो डल रहते हैं, जबकि फ्लेक्स जो है ये इसमें स्लाइट लश्चर रहता है। अब कारण क्या है? फाइबर उतना ही ज्यादा लश्चर होगा जितना इवनली इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, और लेस लश्चर और डलर फाइबर और फिलामेंट जितना इंसिडेंट लाइट जो है स्कैटर करेगी। तो फ्रेंड्स आज हमें ये पता लग गया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर का लश्चर पे और फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्यों इम्पैक्ट पड़ता है और क्या उसका